नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में चैत्र नवरात्रि नवमी का पर्व पूजा अर्चना के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं चैत्र नवरात्रि नवमी पर्व के दौरान जिले में जब ज्वारा जुलूस निकाला तो श्रद्धा और भक्ति का ऐसा सैलाब देखने को मिला जिसमें भक्तगण ओतपोत्र हो गए एवं माता के दरबार बिरसिंहपुर पाली में 70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माँ भवानी बिरसिंहपुर देवी की दर्शन करते हुए ऐतिहासिक ज्वारा जुलूस का हिस्सा बने। भक्तों के सिर पर सजे हुए ज्वारा कलशों का दृश्य ऐसा निर्मित हो गया जिसने भक्तों का मन मोह लिया एवं भक्तों के सिर पर लहराते हुए ज्वारे हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। वही विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शोभा यात्रा एवं चुनरी यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। वही चैत्र नवरात्र नवमी पर्व के दौरान विरासनी देवी मंदिर में सांसद श्रीमती हिमांद्री सिंह, आजाक मंत्री सुश्री मीना सिंह एवं जनप्रतिनिधि सहित जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा और पुलिस बल के साथ साथ जिले के समस्त भक्तगणों ने पूजा अर्चना करते हुए पर्व को मनाया गया। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। माता विरासनी देवी के चरणों में चुनरी यात्रा प्रारंभ की जा रही है जो गंजरा धाम संतोषी माता मंदिर से प्रारंभ होकर कलचुरी कालीन माता विरासनी मंदिर में समापन होगा। संतोषी माता मंदिर से लेके हम लोग विरासनी माता मंदिर तक चुनरी यात्रा का आयोजन किए हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 9 वर्ष के उपलक्ष में ये चुनरी यात्रा की जा रही है। दो तीन विगत वर्षों से कोरोना काल के उसमें ये यात्रा नहीं हो पा रही थी। भगवान की दया से इस साल माता की कृपा से कोरोना से मुक्त होकर हम लोग इस साल चुनरी यात्रा का कार्यक्रम कर चैत्र नवरात्र व हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद उमरिया प्रखंड पाली माँ विरासनी जी के यहाँ हम ये चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं। और इस चुनरी यात्री का कारण ये है कि चैत्र नव वर्ष में समस्त हिंदू भाई बहन का नया साल रहता है और जैसा कि हम ये माता संतोषी माता मंदिर से माँ विरासनी की ओर जगह जगह चुनरी यात्रा को घुमाते हुए जाएंगे। कोरोना की वैश्विक बीमारी के चलते 2020 और 2021 में जो चैत्र नवरात्रि हुई थी वो पारंपरिक हर्षोल्लास से नहीं मनाई जा सकी थी, कई प्रतिबंध लगे हुए थे। इस वर्ष जैसा कि आप देख रहे हैं प्रतिबंध हटने के बाद पहली चैत्र नवरात्रि है जिसमें आसपास के जन समुदाय बड़ी संख्या में भाग ले रहा है। गुदुम नृत्य, सैला नृत्य, काली नृत्य सभी इसमें हो रहे हैं और जनता का अपार समुदाय इसमें अनुशासनबद्ध तरीके से इस जवारा जुलूस में हिस्सा ले रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि हमारी धर्म प्रेमी जनता अनुशासनबद्ध है और धार्मिक कार्यों के लिए सभी अपने कार्यों को छोड़कर भाग लेने के लिए तत्पर रहती है। देखिए, अनुमान लगाना तो अभी मुश्किल है लेकिन चूंकि यहाँ से लेकर विरासनी माता के मंदिर तक जन समुदाय भरा हुआ है तो मुझे लगता है करीब 20,000 से 25,000 लोग आए होंगे। सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहती हूँ कि सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज रामचंद्र जी का जन्म दिवस भी है तो इस रामनवमी के अवसर पर और भगवान रामचंद्र जी के जन्म दिवस के अवसर पर भी सबको शुभकामना देना चाहती हूँ कि भगवान रामचंद्र जी सबके जीवन में खुशहाली लाए और सबको समृद्ध बनाए और सबका जीवन बहुत ही अच्छा हो और आप सब लोग इसी तरह से खुश रहें, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं पाली में माँ विरासनी माता मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा और विशाल शोभा यात्रा अभी चल रही है और लोगों के द्वारा इसे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हमने पूरी इसमें सुरक्षा व्यवस्था रखी है, चाक चौबंद व्यवस्था है और शांतिपूर्वक जुलूस चल रहा है। और सारे प्रदेश के मतलब अपने न सिर्फ पाली बल्कि आसपास की जनता इसका आनंद ले रही है।